लॉकडाउन का अगर फैसला लेती है तो इसका खामियाजा बिहार की गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। सरकार ने क्यों नहीं मुकम्मल तैयारी की समय रहते हुए? डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा हो रहा है बिहार की जनता को? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। बिहार सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर लोगों को सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में विपक्षी खेमा अब सवाल पूछने लगा है कि आखिर बिहार सरकार की क्या तैयारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार सरकार की क्या दुरुस्त है। इन तमाम सवालों को लेकर विपक्षी खेमा अब NDA पर निशाना साधने लगा है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और आज कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। उससे पहले मृत्युंजय तिवारी जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि सरकार अगर लॉकडाउन की तरफ जाती है तो उन गरीबों का क्या होगा जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, सरकार उनके लिए व्यवस्था करे। साथ ही साथ यह भी कहते नजर आए कि गांधी मैदान और बापू सभागार जैसे बड़े क्षेत्र वाले इलाकों में बेड लगाया जाए और वहाँ बदवस किए जाए। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, जरा आप वो सुनिए। बिहार में कोरोना जिस तरह से भयानक रूप लेता जा रहा है, कोरोना का कहर से बिहार की जनता कराह रही है। सरकार कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का अगर फैसला लेती है तो इसका खामियाजा बिहार की गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। मजदूर गरीब ये लोग कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे, भूखे मर जाएंगे रोज कमाने खाने वाले लोग। सरकार अगर आज ये लॉकडाउन की नौबत आई है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने क्यों नहीं मुकम्मल तैयारी की समय रहते हुए? आज जो भी गांधी मैदान हो, चाहे बापू सभागार हो, स्टेडियम हो, ज्ञान भवन हो, सब जगह पर बेड लगाए जाएं। टेंट सिटी के समय जिस तरह व्यवस्था की गई थी, गांधी मैदान में व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए। डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा हो रहा है बिहार की जनता को? आप लॉकडाउन की मार से गरीबों को, मजदूरों को भुखमरी के कगार पर ला देंगे, उसका भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। जो हालात हैं, इस हालात बिगड़े हालात के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। चारों ओर आदरणीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आनन फानन में सरकार अब लॉकडाउन का फैसला करने जाती है तो ये निर्णय के पहले सरकार को 100 बार सोच लेना चाहिए उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कमेटी बनाई जाएगी, अभी तक कहाँ है कमेटी? किस तरह से कोरोना जांच का फर्जी आंकड़ा सामने आया था ये भी बिहार की जनता को पता है। तो आपने सुन लिया, लगातार कोरोना जिस तरीके से बिहार में बढ़ता जा रहा है और खासकर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित दिख रहा है। केसेस लगातार, पॉजिटिव केसेस की अगर बात करें तो मिलते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी खेमा अब सवाल पूछ रहा है, मृत्युंजय तिवारी ये सवाल करते नज़र आ रहे थे कि लॉकडाउन की तरफ अगर सरकार जाती है तो उन गरीबों का क्या होगा जो हर रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, सरकार उनके लिए व्यवस्था करे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।